What's going on even, sir? What's going on, sir? Hello. आपके लिए बात की जाना भी बहुत बड़ी बात है। ये सब पिछले साल हमने यहाँ मुमकिन में जिन्होंने इस तकरीब की तैयारी अपनी जाती निगरानी में कराई है, वो मौजूद डॉक्टर साहब से बेपनाह अकीदत रखते हैं और उनके ये अल्फाज हैं कि ये दिन उनकी जिंदगी का अहम तरीन दिन है। इससे कबल कि मैं अपना खुतबा पेश करूं, मैं डॉक्टर साहब की शान में कही हुई उनकी नजम डॉक्टर साहब की इजाजत से। मेरे बेटे ने आपके दाखिले की दरखास्त भिजवाई थी लेकिन वो मुंतखब नहीं हो सका। इस पर वो इस कदर अफसुरदा और सिफाए है कि उसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिए हैं और मुझे रहे कि जब तक मुझे वहां दाखिला नहीं मिलता मैं कमरे से बाहर नहीं आता या मैं छत से कूद जाऊं। अब आप मेरे बच्चे पर और मुझ पर मेहरबानी करें कि उसे जरूर दाखिला दें। वो ये मामला मेरे नोटिस में लाए और अपनी तंगदामानी की मांग सर सामने देख सर सर हाथ पकड़ एक्सटेंडेड हसन साहब बच्चे थोड़ा सा एंगल चेंज करो तो सामने देखो। पुख्ता तर है गर्दिशे पैहम से जामे जिंदगी पुख्ता तर है गर्दिशे पैहम से जामे जिंदगी है यही ऐ बेखबर राज़े दवामे जिंदगी। बेटा सामने जरा एंगल चेंज करो थोड़ा अब पकड़ो सब टेक पकड़ो सामने देखो बेटा बेटा सामने देखो बेटा सामने देखो इधर देखो बेटा इधर बेटा देखो। नाउ आई रिक्वेस्ट रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल टू
please come on the stage and present the college shield to the honorable chief guest. Thank you. कुछ दिन पहले साहबजादा साहब ने अप्रोच किया, फ़ोन किया कि आप इस तकरीब में आएँ. पहले तो मुझे वक्त की बहुत तंगी थी, लेकिन वो तो एक बात है, लेकिन दूसरी बात ये है कि स्टूडेंट से मुझे मिलने का जो शौक़ है वो मुझे पीछे नहीं रखता ऐसी तकरीबात से. और मेरा हमेशा दिल करता है कि मैं ऐसे मौके को इस्तेमाल करूँ बच्चों से बात करने के लिए, क्योंकि यही जो बच्चे हैं यही हमारा मुस्तकबिल है. और ये बात हम आम तौर पे कहते रहते हैं, लेकिन मैं इसे दिल से समझता हूँ कि ये कितनी अहम बड़ी बात ही है कि हम इनको बताएं कि ये कौन है और ये क्या है. बहुत अहम एक शेर है अल्लामा इकबाल का, जिसमें शायर मशरक ने कहा है, नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपने किश्त वीरा से, ज़रा नाम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साथी. इसका मफहूम अगर हम समझ लें तो दिल में भी बात उतरती है कि ये जो कौम है इस पे अल्लाह ताला की ख़ास इनायत है. जो आप लोगों का जहन है ये अल्लाह ताला ने कुछ ऐसा बनाया है कि अगर आप अपने आप को अपने बच्चों को इल्म की दौलत से प्रोफेशनल दौलत से सजा लें तो ये दुनिया में चाहे जहाँ कहीं भी चले जाएं कामयाबी की ज़मानत बन जाते हैं. जो मैं बात आखिर में करना चाह रहा हूँ और वो इन बच्चों के लिए ख़ास तौर पे है वो ये है कि पहली बात तो ये है कि इस मुल्क के बच्चों ने जो आपसे 25-30 साल बड़े हैं उन्होंने इस मुल्क को एक एटमी ताकत बनाया है, और कोई आसमान से किसी ने आकर नहीं बनाया. यही जहीन बच्चे जो आज यहाँ बैठे हैं इन्हीं के जो पेश खैमा थे उन्होंने वो इस मुल्क को एटमी ताकत बनाया है. और कल ये जो हमने रोड मैप बना दिया आपके लिए थर पार्कर में, और कॉपर एंड गोल्ड का और लेड एंड जिंक के हमारी मादनियात हैं और क्रोमियम हमारे पास बेतहाशा है, ये सारा जो काम है ये आप लोगों ने करना है. और ये काम ऐसा नहीं है कि ये एटमी प्रोग्राम की तरह 30 साल में 40 साल में ये ख़त्म हो जाएगा. ये आपकी पुश्त दर पुश्त 5-6 साल तक ये चलने वाली चीज़ें हैं.